नमस्कार, मैं लवली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अजय भारत में। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवनीत। मौसम का मिजाज बदल चुका है, भीषण गर्मी के बाद अब फाइनली कुछ राहत आप कह सकते हैं कि इस खूबसूरत से बारिश से आप कह सकते हैं कि मिल रहा है और मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है। थोड़ी सी राहत जो है सबको महसूस हो रही है, लेकिन इसी के साथ एक खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं कि मौसम का अनुमान लगाने वाले एक निजी एजेंसी स्काई मैट ने मौसम को लेकर अनुमान लगाया है। क्या अनुमान लगाया है वो बताएंगे हमारे सहयोगी नवनीत। देखिए लवली, जो मौसम की बड़ी एजेंसी है मौसम को लेकर के वो आकलन करती है स्काई मेट, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है और वो रिपोर्ट इसी मानसून की बारिश को लेकर के है। क्योंकि मानसून की बारिश पे भारत की जो खेती है वो निर्भर करती है, तो एक किसानों के लिए मानसून जो है वो किसी वरदान से कम नहीं होता है। ऐसे में स्काई मेट ने जो रिपोर्ट जारी किया है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और किसानों के लिए चिंतित करने वाली खबर है। और वो ये है कि मॉनसून इस बार भारत में सामान्य से कम बारिश होगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और अभी जून में जो बारिश दर्ज की गई है मॉनसून की, उसमें ये आंकड़ा आया है कि देश के 30 राज्यों में सामान्य से बेहद कम बारिश हुई है, जबकि दो ही ऐसे राज्य हैं देश में जहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। तो स्काई मेट की रिपोर्ट को माने, अगर यकीन करें तो बिल्कुल जो हालात हैं वो हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी भी बिहार देश में मानसून की हालात बहुत अच्छे नहीं है। अगर जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश नहीं होती है तो देश के कई राज्यों में इस बार सूखे की स्थिति होगी और वहाँ जो है वो खेती बेहतर नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जो है वो चिंतित कर रही है। और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में किसानों के लिए थोड़ी चिंता देने वाली खबर है कि नवनीत, बिहार की स्थिति अगर हम बात करें, अगर बिहार के मौसम की, तो यहाँ पे क्या रिपोर्ट्स में कहा गया है? देखिए, एक जिक्र है उसमें अलनीनो, एक अलनीनो प्रभाव होता है प्रशांत महासागर में, कुछ इस तरह की लहर जो चलती है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है। तो उस तरह की जब लहर प्रशांत महासागर में उठती है तो उसका मौसम पे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और वो प्रभाव होता है कि अमेरिका में उस अलनीनो से अच्छी बारिश होती है, लेकिन जब जब अलनीनो का जो असर होता है वो ज़्यादा रहता है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में सूखे के हालात होते हैं। इस बार भी अलनीनो फैक्टर जो है वो काम कर रहा है और इसलिए मौसम विशेषज्ञ जो है वो ये इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इस बार भी भारत और ऑस्ट्रेलिया में स्थिति बेहतर नहीं होगी, खासकर मानसून को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली खबर है और इसको लेकर के जो कृषि वैज्ञानिक है वो चिंता जता रहे हैं। हालाँकि अभी भारतीय जो मौसम एजेंसी है उसने इस रिपोर्ट को लेकर के अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अब देखना है कि भारतीय मौसम जो अनुसंधान केंद्र है वो किस तरह मौसम को लेकर के फॉरकास्टिंग करता है अगले कुछ दिनों में, और मानसून क्या कमज़ोर पड़ता है या मानसून की स्थिति में सुधार आता है, तो ये देखने वाली बात होगी। जी, ये देखने वाली बात होगी कि आगे चल के मौसम का क्या रुख होता है। लेकिन फिलहाल इस मौसम को जो आप है एंजॉय कीजिए, क्योंकि काफ़ी खुशनुमा मौसम है। अगर आप घर में गर्मी से परेशान थे तो आज फाइनली थोड़ी सी राहत की सांस आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मौसम के मान पे आपका क्या कहना है ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ अजय भारत। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।